बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। विकटें गिरना शुरू हो चुकी हैं, इमरान खान ने सबको घेर लिया है और अब इमरान खान के सारे मुखालिफीन ट्रैप हो चुके हैं, जबकि नून लीग की बहुत बड़ी विकट भी गिर चुकी है। पंजाब में इलेक्शंस का ऐलान भी कर दिया गया है और पीटीआई के टिकट के लिए इस वक्त रश लग चुका है। ये ऐलान बहुत बड़ा ऐलान है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से किया गया है और अब सियासी मंजरनामा क्या रुख इख्तियार करेगा, क्योंकि नवाज एंड कंपनी ने मुक्तदर हलकों से डायरेक्ट पंगा ले लिया है और उनका ये जो पंगा है ये इनके लिए कितना सूदमंद साबित होता है या फिर इनके गले की हड्डी बन सकता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। नाज़रीन कराम, इस वक्त मुल्क के सियासी मंजरनामे पर बहुत कुछ चल रहा है, बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं। हर गुजरते लम्हे, हर गुजरते घंटे मुल्क का सियासी मंजरनामा तब्दील होता जा रहा है और इस सब के अंदर कुछ बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स भी हैं। ये डेवलपमेंट्स एक जानब तो असम्बलियाँ तहलील करने के हवाले से हैं, वहीं दूसरी जानब इस हकूमत के लिए कुछ मुश्किलात भी बढ़ती जा रही हैं, ये बुरी तरह से फंसते जा रहे हैं। इससे ज्यादा जो दो बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, एक है फैसल वाडा के हवाले से और दूसरी है आजम सवाती के हवाले से। ये खबरें इसलिए भी आपके सामने रखना इम्पोर्टेंट है क्योंकि अब नई मिलिट्री लीडरशिप भी आ चुकी है और जाहिरी बात है आजम सवाती के साथ जो कुछ हो रहा है उस पर खान साहब ने एक सवाल भी उठाया और बाजवा के फुस्तायत पर मबनी जो इकदाम हैं उनसे नई मिलिट्री लीडरशिप से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो उन्हें अलग कर लेगी। सबसे पहले ये बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वाडा नाअहली केस का मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी कर दिया है जो 4 सफात पर मुश्तमिल है, जिसे चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने तहरीर किया है। तहरीरी फैसले के मुताबिक फैसल वाडा की जानिब से गलती तस्लीम करने पर आर्टिकल 63(1)(c) का अतलाक होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फैसल वाडा मौजूदा असम्बली की मुद्दत तक ना अहल तसव्वुर होंगे। तहरीरी फैसले में बताया गया कि फैसल वाडा आइंदा इंतखाबात लड़ने के लिए अहल होंगे। फैसल वाडा सेनेट की नशीस से अपना इस्तीफा फौरी तौर पर चेयरमैन सेनेट को भिजवाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास उम्मीदवार को इलेक्शन से कबल ना अहल करने का इख्तियार नहीं है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला भी कानून की नजर में बरकरार नहीं रखा जा सकता। तहरीरी फैसले में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट का ताहयात ना अहली फैसला कलअदम करार दिया जाता है, यानी कि ये एक मुख्तसर फैसला आया है हमारे सामने और फैसल वाडा को नवाजा गया है जो कि मुतनाज़े ट्वीट्स और इदारों के खिलाफ बयानात पर गिरफ्तार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बुजुर्ग सैनिटर आजम सवाती को 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर क्वेटा पुलिस के हवाले कर दिया गया है। सेनेटर आजम सवाती को क्वेटा अदालत में डिप्टी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। उनकी तबीयत पहले से खराब थी। आजम सवाती को कचहरी के पिछले गेट से अदालत लाया गया। अदालत ने आजम सवाती को 5 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस की जानिब से 10 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी। वकील आजम सवाती का कहना है कि एक केस में मुतादिद एफआईआर काटना गैर कानूनी है, गैर कानूनी इकदामात के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आजम सवाती की पेशी के मौके पर अदालत पहुंचने वाले पीटीआई रानुमा कासिम सूरी का कहना था कि आजम सवाती क्या कोई गैर मुल्की जासूस है, समझता हूं कि बलूचिस्तान को इस तरह के कामों में इस्तेमाल करना जेब नहीं देता। अब एक जानब ये सब हो रहा है तो वहीं दूसरी जानब आप देखें कि किस तरह के मामलात हो चुके हैं। मईशत के इस वक्त दगर दू हालात हैं और इम्पोर्टेड सरकार को इस वक्त फिक्र अपने केसेस खत्म करने की है, अपनी सियासत बचाने की है, NRO2 की तकमील की है, जबकि मुल्क अल्लाह ना करे खाकम बदहन दिवालियापन के दहाने पर जा रहा है। इस सब के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जो कि बड़े वोकल रहे हैं और अपनी सेनेटरशिप से अपने उसूलों पर समझौता ना करके उन्होंने इस्तीफा दिया, मुस्तफ़ा नवाज खोखर, उनका कहना है कि ये मईशत बदस्तूर बदहाल और दिवालिया होने का खतरा बढ़ चुका है। कहा गया कि डॉलर 200 पर आ जाएगा, महंगाई कम और IMF को सीधा कर देंगे। उल्टा IMF ने मजीद टैक्स लगाने तक
अगली किस्त देने से इनकार कर दिया है। दोस्त ममालिक भी परेशान है। सिर्फ मिफ्ता को बलि चढ़ाकर वजीर बनाना मकसूद था, इसहाक डार के हवाले से उन्होंने ये बात कही है। इस जमन में सिर्फ आज के अखबारात पर अगर नजर डालें, अखबार जंग का सफाए अव्वल, फिर अंग्रेजी अखबार एक्सप्रेस, डॉन न्यूज का ने भी बैरूनी कर्जों की अदायगी पर मुश्किलात का जिक्र कर दिया है। तो ये एक ओवरऑल सिनेरियो था और कुछ डेवलपमेंट्स थी जो आपके सामने रखना जरूरी थी। लेकिन अब जरा मेन पॉलिटी डेवलपमेंट्स पर आ जाते हैं, क्योंकि खबरें बहुत ज्यादा हैं और वक्त बहुत कम है। असेंबलियों की तहलील के मामले पर पीटीआई चेयरमैन इमरान खान की डिवीजनल सतह पर मुशावरती मुलाकातों का शेड्यूल तब्दील किया गया है। असेंबलियों की तहलील के मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पार्टी में हर सतह पर मुशावरत कर रहे हैं। इस हवाले से डिवीजनल सतह पर भी मुशावरत की जा रही है। तहम अब डिवीजनल सतह पर मुशावरती मुलाकातों का शेड्यूल तब्दील कर दिया गया है। इमरान खान जिन्हें आज से डिवीजनल सतह पर मुशावरत का सिलसिला शुरू करना था, अब ये शेड्यूल तब्दील हो गया है और वो कल से मुलाकातों का आगाज करेंगे। इस हवाले से आज रात पंजाब के तमाम डिवीजन के अरकान को शेड्यूल से आगाह कर दिया जाएगा और पंजाब असम्बली में पीटीआई चेयरमैन वेब को आज डिविजनल मुलाकातों का शेड्यूल दिया जाएगा। अब इमरान खान हर डिवीजन के अरकान असम्बली से असम्बलियों की तहलील पर मुशावरत करेंगे, जबकि शेख रशीद ने भी ये बात बड़ी वाजे की है कि इमरान खान 30 दिसंबर तक इलेक्शन की तारीख लेगा या असम्बलियां तोड़ देगा। गेंद हुकूमत की कोर्ट में है, सियासत आबाद करें या बर्बाद करें। सरबराह शेख रशीद का कहना था कि साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल हुकूमत की मईशत का पोस्टमार्टम कर रहे हैं। समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी बयान में शेख रशीद ने कहा कि इमरान खान 30 दिसंबर तक इलेक्शन की तारीख लेगा या फिर असम्बलियां तोड़ देगा। अब गेंद हुकूमत की कोर्ट में है, सियासत आबाद करे या बर्बाद करे। साबिक वजीर दाखिला का मजीद कहना था कि मिफ्ता उनकी मईशत का पोस्टमार्टम कर रहे हैं, चार चार वजरा मिलकर भी बयान दें तो कोई इनकी बात नहीं सुनता। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत अवाम में जाने के काबिल नहीं है, इलेक्शन से फरारी, इलेक्शन की तैयारी करें। खान साहब ने कल ये बात बड़ी वाजे की थी कि मार्च तक इलेक्शन के लिए तैयार हैं तो रुक जाते हैं, हम असम्बलियां डिसॉल्व नहीं करते। अब फवाद चौधरी ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है, मैं जो विकटें गिरने का सिलसिला है उसके जो शुरू हुआ है उस पर आता हूं, लेकिन मैं आपको पहले ये बता दूं कि साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वक्त ज़ाय किए बगैर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई इंतखाबात के लिए जाएगी। ट्विटर पर जारी बयान में फवाद चौधरी ने लिखा कि इमरान खान ने मेंबरान असेंबली को हिदायत की है कि अपने हल्कों में वापस पहुंचे, हम मजीद वक्त ज़ाय नहीं करेंगे। फवाद चौधरी के मुताबिक पार्टी अरकान असम्बली को कहा गया है फौरी तौर पर इंतखाबात की तैयारी करें, पीटीआई वक्त ज़ाय किए बगैर पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई इंतखाबात के लिए जाएगी। फवाद चौधरी ने पीडीएम पर तनकीद करते हुए मजीद लिखा कि मौजूदा पीडीएम इंतखाबात से ऐसी ही भागती रही है जैसे अब भाग रही है। कौमी असम्बली के इंतखाबात बेशक बाद में हों, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम अपनी असम्बलियाँ तहलील करने के ऑप्शन से पीछे नहीं हटेंगे और ये ऑप्शन जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगे। और इसके तनाजुर में अगर आप कहते हैं कि आप सिर्फ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन कराएंगे तो हम ये भी कबूल करते हैं, जबकि इस वक्त कुछ और बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। ये इलेक्शन का ऐलान होते ही टिकटों के लिए रश लग चुका है। इमरान खान रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद काफी बदल चुके हैं। पहले इमरान खान अपनी गलतियां नहीं मानते थे, अब वो अपनी बात का आगाज ही अपनी गलतियों से करते हैं, बड़ेपन का मुजाहरा कर रहे हैं। इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। अभी इमरान रियाज को इंटरव्यू में उन्होंने बात की कि एक्सटेंशन देना भी मेरी सबसे बड़ी गलती थी। इसी तरह वो कहते हैं कि टिकटों के बारे में मैंने आगे लोगों को कहा होता था कि तुम इस इलाके की टिकटें देख लो, ये भी मेरी गलती थी, अब एक एक टिकट मैं खुद दूंगा। तो ये बात तो वाजे हो चुकी है, लेकिन अब जो मामलात हो रहे हैं वो यही है कि टिकटों की खातिर दूसरी जमातों के लोग भी उड़ान भरने के लिए तैयार हो चुके हैं। पीडीएम वाले कह रहे हैं, नून लीग के अपने अरकान असम्बली कह रहे हैं कि बेहतर है कि इस दफा नून लीग की बजाय आजाद लड़ लिया जाए। नून लीग की नफरत में नून लीग से अवाम इतनी तंग आ चुकी है कि हमें हमारा अपना जाती वोटर भी वोट नहीं देगा, शेर पर ठप्पा नहीं लगाएगा, इससे तो बेहतर है हम आजाद लड़े और बाल्टी वगैरह का निशान ले लें। अब यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुस्लिम लीग नून की एक अहम विकेट उड़ाई है।
साबिक मुशीर वजीर आला पंजाब पीटीआई में शामिल हुए हैं। साबिक रहनुमा और साबिक मुशीर वजीर आला पंजाब वसीम अहमद खान ने पीटीआई में शमूलियत इख्तियार की है। वसीम अहमद खान पीटीआई के मरकजी नायब सदर सेनेटर एजाज अहमद चौधरी से मुलाकात के बाद कप्तान के खिलाड़ी बन चुके हैं। सेनेटर एजाज अहमद चौधरी ने वसीम अहमद खान को मफलर पहनाकर पीटीआई का रुकन बना लिया। इससे बड़ी बड़ी विकेटों के गिरने का आगाज हो चुका है और अभी तो पूरे तरीके से इलेक्शन अनाउंस भी नहीं हुए। खान साहब ने बंदे भेज दिए हैं कि चलो सब इलेक्शन की तैयारी करो, तो अब देखना यह है कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत को किस तरह का शौक लगता है। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है, अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।